पार्थिव, यंगस्टर्स ने जिस तरीके से खेला है इस पूरी सीरीज में भारत के लिए, कहीं पर आपको लगता है कि ये ब्रूइंग रेवोल्यूशन भी है? मतलब हमने देखा कि शायद इनको कभी मौका नहीं मिलता, चाहे वो मोहम्मद सिराज, खैर मोहम्मद सिराज को तो शायद मिल भी जाता, नवदीप सैनी विंग्स में वेट कर रहे थे, टी नटराजन जिस तरीके से आए, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, ये सब, ये जो टेल ऑफ डेब्यूटेंट्स आप देखिए, इन्होंने 3 टेस्ट खेलकर 259 रन बनाए शुभमन गिल ने, इसमें देखिए शार्दुल ठाकुर को भी डाल सकते हैं क्योंकि उन्होंने डेब्यू तो नहीं करा लेकिन उनका डेब्यू छोटा सा ही था। शानदार, ये दिखाता है भारतीय क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ भी, ये दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट कितने अच्छे हाथों में है अभी, कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होगा तो हमारे पास दूसरे प्लेयर्स रेडी है, और ऐसे नहीं कि खाली एक फील्ड में रेडी है। अगर कई बार ऐसा होता है कि खाली हमारे पास पेस बैटरी है, कि कभी हमारे पास खाली स्पिनर्स है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि बल्लेबाज भी आए हैं, आपके पास फास्ट बॉलर भी आए हैं, आपके पास स्पिनर भी आए, और काफी स्पिनर घर पे भी है कि जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक जैसे कहते हैं ना, दूसरी टीम रेडी है, जो हम देख रहे थे टीवी में कि इंडिया ए टीम का बहुत ही बड़ा हाथ है इसमें, जो हर बार हम बात करते आ रहे हैं, जिसमें राहुल द्रविड़ को और जो बीसीसीआई जो सिस्टम वहां पर लाई है, खाली राहुल द्रविड़ नहीं, वहां पर पारस महामरे इंडिया ए के कोच है, अभय शर्मा जो इंडिया के फील्डिंग कोच है, सुधांशु कोटक, ऋषिकेश कानिटकर, अमोल मुजुमदार, ये सारे प्लेयर्स बहुत बिहाइंड द सीन काम करते हैं एनसीए में इंडिया ए के साथ या अंडर 19 टीम के साथ, तो उनको इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती। अगर उन्होंने इनको इतना तैयार नहीं किया होता तो हम शायद इन लोगों को इतना इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करते हुए भी ना देखते।